Hello everyone, welcome to the new video, and in this video I'm going to discuss about some last minute important tips before going to SBI clerk prelims exam. Just one day to go and then you'll be appearing for your exam as per your schedule. आपने बहुत डिफ़िकल्ट पजल्स की प्रैक्टिस की है, डी आई वगैरह की प्रैक्टिस की है, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस की है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, आप शायद ये मेंटली भी सॉल्व करते हो विथ लेसर स्टेप्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन होता है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया तो अगर मैंने प्लान किया वैसा नहीं आया तो देन वॉट. सो लेट मी टेल यू जस्ट फ्यू टिप्स. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कंप्लीट रेस्ट, एकदम रिलैक्स रहो, एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करना बिफोर गोइंग टू दिस एग्ज़ाम्स. ठीक है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि पेपर ऐसा आया वैसा आया, अगर मैंने पजल यहाँ पे सॉल्व किया वहाँ पे नहीं आया तो नहीं. रिलैक्स रहो, कहीं ना कहीं देखो आपको आपकी एबिलिटी को बैक करना पड़ेगा. आपने कहाँ से पेपर सॉल्व किया, कहाँ से प्रैक्टिस किया, दैट इज़ द अदर पार्ट, बट द थिंग इज़ यू हैव टू बैक योर सेल्फ एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी टेंशन. अभी वो कट ऑफ कितनी है, कितने अटेम्प रखूँ, वो नहीं, आपको सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा. अननेसेसरी टेंशन मतलब मेरे स्टेट में वैकेंसीज नहीं है, ये है वो है, मेरे कास्ट के हिसाब से वैकेंसीज कम है, वो सब अभी मत सोचो. जस्ट फोकस ऑन योर गेम, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, एंड देन यू हैव टू सी कि आपको कितने अटेम्प रखने पड़ेंगे. बिकॉज एक बात याद रखना, व्हेन इट कम्स टू सेक्शंस, रीजनिंग और मैथ्स आपको एरर फ्री रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये दोनों सेक्शंस आप सॉल्व करते हो. ठीक है, इंग्लिश भी सॉल्व करते हो लेकिन इंग्लिश में आप कोई बोर्ड मार्क्स वगैरह अप्लाई नहीं करते हो, तो वहाँ थोड़ी सी लिबर्टी चल सकती है, लेकिन थोड़ी सी, हाँ, ज़्यादा नहीं. बट रीजनिंग मैथ्स को एरर फ्री रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. वो लास्ट का जो पुश रहेगा 3-4 मार्क्स का, जिसमें आप कट ऑफ पार कर सकते हो, तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड सी, दिस इज़ अ लास्ट मोमेंट, अभी कुछ नई चीज़ें, नए पजल, नए क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना या समझने की कोशिश मत करना. बिकॉज लास्ट मोमेंट पे सिर्फ समझना नहीं होता है, आपको एक टाइमर के अंदर सॉल्व करना होता है. सो नो सरप्राइजेस एट लास्ट मोमेंट. जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी पे अभी काम करो, उसको और स्ट्रेंथन करो, इन द सेंस उसको और सोचो कि उसको जल्दी कैसे किया जाए. एंड अभी जो ये स्टेज होता है यहाँ पे आपको रिलैक्स होने की बेहद ज़रूरत है. और कोई भी आप अटेम्प्ट्स करो, सबसे बड़ा पॉइंट, क्लिक ऑन द आंसर इन विच यू 100% श्योर. जो आपको 100% श्योर लगे वही क्वेश्चंस को पिक करना. ठीक है, सिंपल भाषा में कहूँ तो पजल्स को लोग लास्ट करते हैं बिकॉज वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. ठीक है, तो बाकी जो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, टेस्ट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें पहले वाइंड अप कर दो. सो 100% उसी पे क्लिक करो जहाँ पे रहो. और रीजनिंग मैथ्स का मैंने पहले ही कहा है 100% एरर फ्री उसको रखना. सी एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद द शॉर्टकट्स विद फ्यूअर स्टेप्स. मैंने बार बार कहा है कि अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा. स्टूडेंट्स सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते, वैसा मत करना कि मुझे सॉल्व करने आता है, लेकिन मेरा सवाल रहेगा बॉस कितने स्टेप्स में आता है. अगर स्टैंडर्ड स्टेप्स 8 है तो क्या तू ये 3-4 स्टेप में उससे भी कम में कर सकता है. मतलब मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो चीज़ों को रिड्यूस करना, स्टेप्स को कम करना. ठीक है, और एक चीज़ होती है, अगर आप में से ऐसा कोई है जो ये प्रीलिम एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले और कहीं ना कहीं थोड़े से फेलियर देखे हुए, तो वो बैकअप द माइंड में रहेगा कि सर मेरा पिछला टाइम ये हुआ था, तो वो लेके एग्ज़ाम में मत जाना. देखो उस एक्सपीरियंस से आप सीखे रहेंगे क्या मिस्टेक्स हुई, क्या हुई. SBI PO की बात करो या SBI क्लर्क की बात करो जो लास्ट टाइम हुए, तो उसमें से सिर्फ सीखो और आगे बढ़ो. एंड देखो एक सिर्फ चीज़ बताता हूँ, SBI PO का जो मैंने बात की अभी जो हुआ, स्टूडेंट्स ने कहा कि जो पिछले साल हुआ उससे कंपेयर टू आज लगभग उतना ही था, उससे लोअर था. तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट दिमाग में रखो. ठीक है, एक हाथ दूसरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा रहेगा पजल, बट क्लर्क का ही एग्ज़ाम है फिर भी. तो एकदम रिलैक्स रहो, पेपर इजी आएगा. आपने जो पढ़ाई की उस स्ट्रेंथ पे फोकस करना एंड सेक्शन वाइज प्लानिंग करो. पूरा 60 मिनट्स मत सोचना. आपका जो सेक्शन रहेगा रीजनिंग, मैथ्स, उसमें आप प्लान आउट कैसे कर सकते हो, कैसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे, और इजियर क्वेश्चंस जो टाइम कम लेंगे उस पे ही आगे बढ़ना. सो विश यू ऑल द फॉर द एग्ज़ाम एंड डू वेल.